जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब कोई भी काम आप मनोयोग से करते हैं तब वो काम यशस्वी बनता ही बनता है। अब ये मनोयोग शब्द भी बड़ा कमाल का है, जिसमें मन और योग ये दो शब्द एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। और योग का मतलब है जुड़ना। फिर मन के साथ और क्या जुड़े तब वो काम मनोयोग से बनता है। तो मन के साथ हमारी बुद्धि जुड़ जाए और साथ साथ शरीर भी जुड़ जाए। जब मन, शरीर और बुद्धि तीनों एक साथ जुड़ जाती है और हम कोई काम बड़े प्रेम के साथ में, बड़े निष्ठा के साथ में करते हैं, तो निश्चित रूप से यशस्विता प्राप्त होती ही होती है। और केवल यशस्विता प्राप्त नहीं होती, वो काम करते समय आपने अनुभव किया होगा कि जब कोई भी काम आप हृदय से करते हैं, बड़ी निष्ठा और लगन से करते हैं, तब सारी परिस्थितियां भी आपको अनुकूल हो जाती है। ये परिस्थितियों का अनुकूल होना, इसका मतलब है कभी कभी कोई आदमी ऐसा बीच रास्ते में आ जाता है और ऐसी आपकी मदद कर देता है निस्वार्थ भाव से कि आप भी अचंभित रह जाते हैं। कभी कभी परिस्थितियां ही बदल जाती है। भगवान स्वयं यहां 18वें अध्याय में कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतस् संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतस् सिद्धिम यथाविन्दति तच्छृणु। जो व्यक्ति अपना काम स्वकर्म यानी मैंने निष्ठा से मेरे अंगीकृत किया हुआ जो काम है वो बड़ी निष्ठा के और लगन के साथ में जो करता है, संसिद्धिम लभते नरः, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि के प्राप्त होने का मतलब भी तो यही है कि परिस्थितियां आप अनुकूल बना सकते हैं। आपके मन में यदि चाह है तो राह निकलती ही निकलती है। एक बार यूं हुआ कि एक बड़ी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में यह गर्जना हुई, बादल थे और बादल गरज गरज के कह रहे थे कि आने वाले 10 साल अब हम हड़ताल करने वाले हैं, हम पृथ्वी पर नहीं बरसेंगे, कोई बारिश नहीं होगी, ना पानी होगा, तड़प तड़प के लोग मरेंगे, ना खेती हो पाएगी। सारे लोग घबराए कि ये क्या आकाशवाणी हो गई, अब जब बारिश ही नहीं आएगी तो खेती कैसे होगी। किसानों ने अपने अपने हल उठाए और अंदर रख दिए, सारे खेती के काम बंद हो गए। लेकिन एक किसान ऐसा था जिसने अपना हल घर में नहीं रखा, वो रोज प्रतिदिन सुबह आता था, जैसे पहले आता था वैसे ही आता रहा, लगातार आता रहा। वो अपने बैल उस हल को जोता था और हल चलाते रहता था। आते जाते लोग देखकर हैरान हो जाते कि ऐसा कैसा किसान, जब बारिश आने वाली ही नहीं है तो खेती क्या करेगा, जब बीज डलने वाले नहीं है तो फिर खेत को जोके करेगा तो क्या करेगा। लोग हंसते थे, लोग पूछते भी थे कि भैया तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो, ये बंद करो, ये क्यों पसीना बहा रहे हो, ये व्यर्थ काम है। वो मुस्कुराता और अपना काम करते रहता। किसी नजदीकी दोस्त ने आकर उसे पूछा, क्या पागलपन छा गया है, तुम इस प्रकार प्रतिदिन आते हो और काम करते हो, इसका मतलब क्या है, जब खेती करनी ही नहीं है तो हल लगाकर खेत जोने से क्या मतलब। मुस्कुराकर वो किसान बोला कि भैया मुझे पता है कि अब 10 साल तक बारिश आने वाली है नहीं, लेकिन यदि मैं खेत ना जोऊं तो मैं जोतना भूल जाऊंगा, और जोतना भूल गया तो 10 साल बाद जब बारिश आएगी तो बारिश आकर भी क्या फायदा होगा, ना तो मेरे अंदर वो शक्ति रहेगी और ना ही वो युक्ति मुझे पता रहेगी कि हल कैसे चलाया जाता है। मैं प्रतिदिन आऊंगा और हल चलाता रहूंगा, यदि मैं काम करूंगा तो ही भूख लगती है मुझे, और तो ही खाया हुआ मुझे मीठा लगता है, यदि मैं आना बंद कर दूं तो मैं बीमार हो जाऊंगा, और इसलिए मैं प्रतिदिन आता हूं, बारिश को जब आना है तब आए, परमात्मा की कृपा होनी है तब होए, मैं तो जोता रहूंगा। और ये बात जब चारों दिशाओं में गूंजी तब बादल भी घबराए कि ये क्या बात कर रहा है, इसकी ये निष्ठा। निष्ठा देखकर बादलों में आपस में चर्चा हुई और बादल बरसने लगे। 10 वर्ष की आकाशवाणी झूठ हो गई, बादल बरसने लगे और उसका खेत उस साल भी हरा भरा हुआ और बहुत अच्छा उत्पाद उसने निकाला।
जब भी कोई काम हम बड़ी निष्ठा और लगन के साथ करते हैं तो परिस्थितियों को अनुकूल होना ही पड़ता है। भगवान भी यही बात कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, जैसे उस किसान को सिद्धि प्राप्त हो गई और बारिश गिर गई। आइए हम भी अपना स्वीकृत कर्म उसी निष्ठा के साथ करते हैं और परिस्थितियों को अनुकूल बनाते हुए विजय को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।